टिट्टा साला सीधा हर हिसाब है कि तेरी धड़कनों की धुन में मैं भी साज दूं, हल्का हल्का मेरा मेरा एहसास दूं, कि तेरी धड़कनों की धुन में मैं भी साज दूं, हल्का हल्का मेरा मेरा एहसास दूं। दोस्ती सब पे भारी नंबर एक है मेरा प्यारा दुलारा कप केक है। तो ये तो हो गया कप केक, अब बाकी की जो रिक्वेस्ट है अपन थोड़ी देर बाद में लेंगे, तब तक आओ बातें करते हैं। तो कैसे हो तुम सब? अब जब तक तो कमेंट, अच्छा पहले मैं कमेंट्स पढ़ लेता हूँ कौन कौन से आए हैं अभी। कृतिका का कमेंट आया है, मोहिनी गुप्ता और पुनूर राजगौर का कमेंट आया है, अंजू नेगी का, बहुत सारे हार्ट्स भेजे हैं उन्होंने। मीनू का आया है हार्ट वाले फेस का, हर्ष का भी सेम। रेधम चौधरी कह रहे हैं थैंक्स भाई, यू वेलकम ब्रो। यशवीर कह रहे हैं हाय। रिया 45 कह रही हैं, मतलब उन्होंने इमोजी देखा है, भेजा है। केटी कह रहे हैं फेस दिखा दो प्लीज़, अरे इस अंधेरे में आपको इन रोशनियों के अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा। तो मुझे ना पसंद आ रहा है यार इस तरह से लाइव चैट करना, भी इसका अलग फील है, ऐसा लगता है मैं रेडियो में बोल रहा हूँ। समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि मैं कभी आरजे बनना चाहता था, लेकिन अच्छा लगता है यार। मतलब मैंने कल भी ऐसे लाइव चैट करी थी, मैंने तुम सबको बताया था मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है ऐसे लाइव चैट करके। क्या है मेरा सारा फोकस सिर्फ बोलने और गाने में रहेगा और तुम सबके कमेंट्स पढ़ने में, इसमें नहीं कि मैं कैसा लग रहा हूँ और ये सब वो सब, समझ रहे हो? ओनली मतलब इसी पे फोकस, अच्छा लग रहा है। समर्थ कह रहे हैं यू, समर्थ, समर्थ ये मेरा भाई, समर्थ तो बहुत ही शानदार मेरा एक सिंगर भाई है, पर पता नहीं है वही है कि नहीं है, जो भी हो आप अपने भाई हो भाई। मोहिनी गुप्ता कह रहे हैं प्लीज़ सिंग फिर मुझे दिल से पुकार तू। बिल्कुल अपन गाएंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ी देर बाद में एक रिक्वेस्ट सेक्शन रखेंगे जिसमें आप सब जो भी रिक्वेस्ट करोगे मुझसे, आपको जो भी सुनना है वो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। तो अभी अपन, हाँ तुम पहले बताओ कैसे हो, जब तक तुम बताओगे मुझे तब तक मैं बताता हूँ कि मैं कैसा हूँ। मैं एकदम बढ़िया हूँ, और आज बड़ा ही क्या, बहुत दिन हो गए मुझे ना घर का खाते हुए, और मैंने बड़ा ही ठूस ठूस के खाया है। तो मैंने ना आज सिर्फ फ्रूट्स खाने का सोचा, तो आज मैं सिर्फ फ्रूट्स खाए, मैंने सुबह से बहुत कम खाना खाया। भाई अभी यहाँ पे आसपास एक दुकान खुल गई है जो हमारी बहुत फेवरेट दुकान है, जहाँ पे समोसे कचौरी मिलते हैं, तो भाई आज कचौरी भी लेकर आया था, तो वो भी मैंने खाई थी। बस उसके अलावा खाना नहीं खाया मैंने, सिर्फ फ्रूट्स खाए। दिशा तुफा कह रही है ओफ फॉर मी। निशा पटेल, शिवम कह रहे हैं गलत फहमियाँ प्लीज़। आई भीष्म सोनी कह रहे हैं वेरी पीसफुल भाई, है ना भीष्म भाई? यार ये लॉकडाउन की वजह से ना एक चीज़ बड़ी प्यारी हो गई है कि बड़ा ही सुकून सा लगता है, जहाँ भी सुनो जहाँ भी देखो सब कुछ बड़ा ही शांत सा, मुझे बड़ा पसंद है यार इस तरह का माहौल। तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद में ना मैं बड़ा मिस भी करूँगा इस तरह की जो वाइब है ना, जो अभी क्रिएट हो रखी है, बड़ा याद करोगे तुम सब भी सुकून को देखना। तो अभी जब तक भी है इसको इन्जॉय कर लो। आई रौनित टाक कह रहे हैं कपकेक, रौनित भाई मैंने कपकेक थोड़ी देर पहले ही गाया है। ताज कह रहे हैं फ़ैन फ्रॉम पाकिस्तान, हाय ताज कैसे हो आप? और रितिका बंडेले कह रहे हैं हेलो। हार्दिक कह रहे हैं ब्रदर योर वॉइस, थैंक यू भाई। भाई आपका एक वीडियो आपको DM किया है, देख लो प्लीज़। जे सम्यक कह रहे हैं ऐसा। तो अब तुम सब बताओ मुझे तुम सब कैसे हो। मीनू कह रही हैं आपकी आवाज़ से सुकून में बरकत होती है, शुक्रिया। प्रज्ञा कटियार कह रही हैं ओ वॉइस इज सो काम एंड स्वीट। यार अभी क्या माहौल ही ऐसा है ना, तो मुझे क्या है अभी सब कुछ ही बड़ा शांत सा लग रहा है। सोनाली सूतर कह रही हैं आई लव मोहित, वट एवर यू आर डूइंग लुक सो क्यूट, थैंक यू सोनाली। लॉर्ड और कह रहे हैं बिग फैन फ्रॉम नेपाल, थैंक यू लॉर्ड लॉर्डुर्ग। सॉरी यार आपका नाम मैं बता नहीं बोल नहीं पाया अच्छे से। तो आप सब कैसे हो मुझे बताओ,
कमेंट करने में टाइम ले लो, बड़ा कमेंट लिख दो, लेकिन मुझे बताओ कि कैसे हो तुम सब। तानिया गिरी कह रही है, हाँ स्कूल ओपन के बाद जूम जैसे बच्चों को म्यूट नहीं कर पाएंगे। यार मैंने वो एप्लीकेशन यूज़ नहीं किया तो मुझे पता नहीं उसके बारे में ज़्यादा, लेकिन आई एम श्योर आपको ये दिक्कत का सामना ज़रूर करना पड़ सकता है। कुशल कह रहे हैं, हाँ मेरा दिल तो वहीं है वहीं, हाँ मेरा दिल तो वहीं है वहीं, कहाँ है आपका दिल ब्रो। लेट्स ध्रुव कह रहे हैं, इतना अंधेरा क्यों है, क्योंकि रात है ब्रो और अपन अभी अपनी घर की छत पर हैं, जो कि शायद मेरी सबसे फेवरेट जगह है। मुझे बड़ा पसंद है यार ये आसमान में ऐसे तारे देखना। आज तो क्या बड़ी खूबसूरत सी रात है, बादल भी नहीं है, सितारे दिख रहे हैं, मुझे बड़ा पसंद है तारे देखना। तो श्री स्माइल कह रही है, ऑनलाइन क्लास और असाइनमेंट्स बहुत बुरे हैं। ये तगड़ा है यार, एक तरह से तुम्हारी छुट्टियां होकर भी छुट्टियां नहीं हैं। विभूति मेहता कह रही है, बहुत अच्छे हैं बट लॉकडाउन में आपके सॉन्ग सुनती हूँ। अच्छा कौन सा सॉन्ग सबसे ज़्यादा सुनते हो विभूति, मुझे बताओ। रितिका बुंदले बुंदेला कह रही हैं, भाई मेरा नाम भी ले लो। ओके रितिका। क्यूटी पाई मानू कह रहे हैं, प्लीज़ सर आप अपना फेस दिखाओ ना। यार मैं भी फेस कैसे दिखाऊं, अभी इतना अंधेरा है ना, आपको सिर्फ ये जो जगमगाती हुई जो बिल्डिंग्स हैं वो दिख सकती हैं, थोड़े से तारे और खूब सारा अंधेरा। धन्यांशरी कह रही हैं, आपकी वॉइस किस माय हार्ट सर, सो स्वीट। इज्मी नूर कह रही हैं, आई एम सो बिगेस्ट फैन ऑफ यू सर, थैंक यू नूर। तो ध्रुव कह रहे हैं, क्या आप एमीवे के फ़ैन हो। बिल्कुल ध्रुव भाई, मैं एमीवे का बहुत बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं सच बताऊँ तो मैं उतना रैप सॉन्ग सुनता नहीं था कुछ 4-5 साल पहले, तो मुझे ज़्यादातर थोड़े अलग तरह के सॉन्ग्स पसंद थे, तो रैप म्यूज़िक में इतना फील नहीं था मेरा 4-5 साल पहले। मेरा जो छोटा भाई है रोहन, उसने मुझे सबसे पहले सुनाने शुरू किए सॉन्ग्स, और फिर मतलब एमिनम का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हुआ, एमिनम मुझे बड़े पसंद आए, फिर मुझे एमीवे बनता है भाई के अपने गाने ना इतने पसंद आए, उनकी पर्सनैलिटी अलग है। फिर मैं एक दिन उनसे मिला और मैं जितना फ़ैन उनके सॉन्ग्स का था उतना ही फ़ैन उनकी पर्सनैलिटी का हो गया, जो इस तरह के वो इंसान है ना बड़े पसंद है मुझे, बहुत ही प्यारे इंसान है अपने एमीवे भाई। तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका, और मैं उनको बहुत बार कह चुका हूँ कि भाई मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद हो आप। कृष्णा 008 कह रहे हैं, क्वारंटीन में जैसे आप पोइट्री लिखते थे ना, मैं भी वही कर रहा हूँ। अच्छा कृष्णा भाई, आपकी पोएम ज़रूर सुनाइएगा, फिर अपनी स्टोरी में डालना पोएम कह के, और मुझे छोटा सा वहाँ पे टैग कर देना या मेंशन कर देना ताकि मैं भी देख पाऊँ। मिस्टर अब्बास कह रहे हैं, आज मेरा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे अब्बास भाई। रॉयल प्रिंसेस कह रही हैं, सर प्लीज़ सिंग फिर मुझे दिल से पुकार तू। बिल्कुल गाएंगे, लेकिन ये जो रिक्वेस्ट सेक्शन है जैसा मैंने आपको बताया सबको, ये अपन लास्ट में रखेंगे ठीक है अपनी लाइव चैट के। तो अभी मैं आप सब को, ठीक है आप सब अगर मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, पता नहीं क्यों मुझे बड़ा अच्छा लगता है कोई मुझसे क्वेश्चन पूछता है तो, और मैं उसका आंसर करता हूँ, अच्छा लगता है। बस वाइवा के दिनों की याद आ जाती है, जैसे मैं जब कॉलेज में था ना तो वाइवा में जिस तरह से क्वेश्चंस पूछते थे, अरे बाप रे वो याद आ जाता है। नहीं ऐसा नहीं है, उसमें भी मैं कुछ भी बोल देता था अपने मन से, भले ही मैं पढ़ कर नहीं गया हूँ, लेकिन बोलने में अपन क्या है थोड़े से सही रहे हैं। आयुश्री श्रीवास्तव पूछ रही हैं, आप लॉकडाउन के बाद फर्स्ट चीज़ क्या करोगे। मैं लॉकडाउन के बाद फर्स्ट चीज़ क्या करूँगा, मैं वेट करूँगा, मैं वेट करूँगा, इंतज़ार करूँगा बेसिकली, कि सच बात यह है मतलब बेसिकली मजाक से हट के, कि मैं देखूँगा कि कैसे क्या हो रहा है अभी माहौल कैसा है, एक दो हफ्ते स्टडी करूँगा, ऑब्ज़र्व करूँगा और इंतज़ार करूँगा, फिर बाद में बाहर जाऊँगा। तो ये शायद मैं वेट करूँगा, लॉकडाउन जस्ट खुलते ही मैं बाहर नहीं जाऊँगा, मैं थोड़ा वेट करूँगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछना चाहते हैं आप सब बताइए मुझे। प्रतीक्षा पूछ रही हैं, गर्लफ्रेंड नहीं यार, गर्लफ्रेंड तो नहीं है अपनी। और सिया कह रही है, सर आप इनबॉक्स के मैसेजेस रिप्लाई क्यों नहीं करते कभी। सिया मैं क्या है बेसिकली डीएम्स ना, क्योंकि बहुत
सारे आ जाते हैं तो मैं ना देखता सब हूँ, लेकिन मैं रिप्लाई करने का उतना वक्त नहीं मिल पाता है। तो मैं सच बताऊँ तो जैसे तुम्हारे कई सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं, बड़ा प्यारे लगते हैं मुझे पढ़ने में, तो उनको पढ़ के और आपको पता नहीं चलता है, लेकिन मैं ना मतलब आपको बहुत सारा प्यार अपनी तरफ से, कहते हैं ना ब्लेसिंग्स देना, उस तरह से ब्लेसिंग्स दे देता हूँ कि यार यार ये कितना प्यारा मैसेज भेजा है इसने, भगवान इसको खुश रखें एकदम, बहुत सारा प्यार तुम्हें। तो ऐसे एक स्माइल सी आ जाती है मेरे चेहरे पर, हो सकता है मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आप सबके मैसेजेस मैं पढ़ूँ डीएम में, तो मैं पढ़ता ज़रूर हूँ सारे मैसेजेस। खुशी अरतानी कह रहे हैं आपका भी वेट बढ़ गया है क्या लॉकडाउन में? बिल्कुल बढ़ गया है, मॉम के हाथ का खाना मैंने इतना खाया है, और बड़ा मुझे एक कमेंट दिखा जिसने मेरा ध्यान एकदम खींच लिया, अभिषेक जाधव ने कमेंट करा है चीयर्स डार्लिंग। चीयर्स डार्लिंग एक वो सॉन्ग है जो मेरे सबसे फेवरेट सिंगर सॉन्ग राइटर डेमियन राइस का सॉन्ग है, और आप सब प्लीज़ उसे ज़रूर जाके सुनना, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है वो सॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए आप मुझसे कुछ भी अगर पूछना चाहते हैं तो। मतलब आप नोटिफिकेशन से पढ़ते हो, ईशा मदान कह रहे हैं। हाँ ईशा मदान, मैं नोटिफिकेशन मतलब नोटिफिकेशन से पढ़ते हो? नहीं, डीएम्स आते हैं अलग से, उसका फोल्डर होता है, और मैंने आपके मैसेजेस भी पढ़े हैं ईशा मदान, बहुत सारा प्यार आप भेजते हो मैसेजेस में, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं वक्त निकाल के ज़रूर डीएम्स पढ़ता हूँ, लेकिन रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। कृष्णा कह रहे हैं आपकी वॉइस दिल में घर कर जाती है, शुक्रिया कृष्णा, और आपका नाम जो है वो मैं उससे बड़ा प्यार करता हूँ, कान्हा जी से मेरे को बहुत लगाव है, बहुत ही ज़्यादा प्यार है। श्रेष्ठा बनर्जी कह रहे हैं व्हाट्स योर फेवरेट कलर? यार मुझे ना एज सच फेवरेट कलर नहीं है मेरा, लेकिन मुझे फील के हिसाब से है कि हाँ, वैसे मुझे मतलब ब्लैक एंड वाइट बड़ा पसंद है, मुझे कलरफुल चीज़ें ही बड़ी पसंद है, मतलब जो बहुत रंग बिरंगी होती है ना, कलरफुल चीज़ें, जैसे छोटे बच्चों को नहीं पसंद होती, तो वैसे मुझे ना कलरफुल चीज़ें बड़ी पसंद होती है, पता नहीं क्यों। जैसे गार्डन को देखना मुझे बड़ा पसंद है, जिसमें अलग अलग रंग के फूल हो तो बड़ा अच्छा लगता है वो देखना। और कोई क्वेश्चन आप सबका, कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो। मिस्टर गौर कह रहे हैं प्लीज़ सिंग अ सॉन्ग, प्लीज़ सर एक सॉन्ग सेम आई हैव लड्डू गोपाल। दिशा कह रही हैं योर वॉइस इज़ रिलैक्स्ड। यशवीर कह रहे हैं हाँ भाई, अपन क्या अभी बड़े रिलैक्स मूड में, चिल मूड में, और बहुत ही खूबसूरत सी रात हो रखी है, अपन छत पे बैठे हैं, प्यारी प्यारी धीमी धीमी हवा चल रही है। तो अभी जो भी नए आए हैं इस लाइव चैट में, जस्ट अभी ज्वाइन हुए हैं, उन सबको यही बता रहा हूँ कि अभी अपना क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है, तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं मुझसे तो पूछ लीजिए, मुझे बड़ा मज़ा आता है आंसर देने में। आंचल चत्तानी कह रहे हैं आपकी एक एग आगे पर्सनालिटी है हर चीज़ में डिफरेंट, आई थिंक वो एग की जगह अलग कहना चाहती होंगी। हाँ यार मुझे ऐसा लगता है कि अपन सब ना बड़े अलग होते हैं, सबकी अपनी अपनी पर्सनालिटी होती है, अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, तो मस्त बात नहीं है ये कि अपन सब कितने डिफरेंट हैं, कितने अलग से हैं। मिस्टर सोहेल कह रहे हैं सर शादी कब करोगे? यार मुझसे ना सब काफ़ी सारे लोग ऐसा पूछते हैं, फिर मैं कांच में देखता हूँ खुद को और ऐसा लगता है अरे यार ये तो बड़ा छोटा बच्चा है, अभी तो इसका क्या बाल विवाह हो जाएगा, तो लगता नहीं है मुझे कि मेरी उम्र हुई है अभी शादी करने की, हालांकि उम्र हो गई है कह सकते हो, लेकिन यार फील ही नहीं आती यार, वो दिल तो बच्चा है जी वाली फील आती है मुझे। रॉक स्टार की परफॉर्मेंसेज में से आपकी फेवरेट सॉन्ग कौन सी है? ये हनी ने पूछा है। रॉक स्टार में मेरा सबसे फेवरेट जो है ना यार, मुझे भाग मिल्खा भाग वाली परफॉर्मेंस मेरी सबसे फेवरेट रही है यार। अक्षिता जैन कह रही है हमें आपसे मिलना है, फैन ऑफ योर स्माइल सिंस इश्क अनप्लग्ड। थैंक यू सो मच। इश्क अनप्लग्ड भी यार अलग ही वो था, फील थी। दिग्विजय कह रहे हैं आप स्टोरी देखकर मेरे को रिप्लाई नहीं देता यार मुझे ना, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपके सारे मैसेजेस और स्टोरीज जो भी आप टैग करते हो देखूँ, कोशिश करता हूँ पूरी, और लेकिन मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, इसके लिए मुझे
माफ़ करना यार, लेकिन मैं देखना बड़ा पसंद है मुझे आपके सबके सारे मैसेजेस और डीएम्स और स्टोरीज। गौरव कह रहे हैं वो तोड़ थी परफॉर्मेंस भाग मिल्खा भाग। थैंक यू गौरव भाई, मेरी भी बड़ी फेवरेट थी, उसकी अलग ही वाइब थी उस परफॉर्मेंस की। मेघा गुप्ता कह रहे सर आपकी फेवरेट सॉन्ग कौन सी है? मेरा करंट फेवरेट आप कह सकते हो, मेरा करंट फेवरेट है तुम ही आना, जो कुणाल वर्मा भैया ने लिखा है और जुबीन नौटियाल ने गाया है। और श्रेष्ठा बनर्जी कह रहे हैं कोलकाता आओगे कभी? ज़रूर आएंगे। आई थिंक आपने कल भी मुझसे क्वेश्चन पूछा था क्या? मीनू कह रहे हैं नागपुर आओगे? बिल्कुल आऊँगा यार, और नागपुर में मेरे कुछ बहुत ही प्यारे दोस्त भी रहते हैं। तो श्री स्माइल कह रहे हैं चाय पसंद है आपको? नहीं यार, मैंने ना चाय कभी क्या है पी नहीं, मतलब ज़िंदगी में शायद 2 या 3 बार मैंने चाय या कॉफ़ी पी होगी बेसिकली। इसके पीछे भी एक स्टोरी है। तो जब मैं छोटा था तो मैं अपने चाय पीते देखता था, और जब भी उनको चाय नहीं मिलती थी तो वो एक ही चीज़ कहते थे कि यार मेरे ना सर्वर में दर्द हो रहा है, आज सुबह से चाय नहीं पी है। तो मैं ये देखता था, फिर सोचता था कि यार ऐसी क्या चीज़ है ये कि इसको नहीं पियो या नहीं यूज़ करो तो इससे सर में दर्द हो जाता है या आप परेशान हो जाते हो। तो मैंने यही सोचा था बचपन से कि यार मैं कभी ये चीज़ नहीं पीऊँगा कि इसको ना ना इस्तेमाल करो तो आप परेशान हो जाओ। तो इसलिए मैंने ना कभी फिर बचपन से ना चाय पी ना कॉफ़ी पी। और आप ननिहाल कब आओगे? अपने ननिहाल, राइट द फीलिंग्स कह रहे ननिहाल। ननिहाल उदयपुर यार, लॉकडाउन ख़त्म होकर जाऊंगा मैं नाना नानी से भी मिलने, और मेरा कज़न भाई भी रहता है वहाँ पे चिक्की। मानस वानी कह रहे हैं अजमेर में गौरव शेखावत से मिले थे ना? यार मुझे याद नहीं मानस स्वामी, मैं अजमेर गया था तो मैं बहुत सारे लोगों से मिला था वहाँ पे, मैंने एक बहुत बड़े इवेंट में पार्टिसिपेट किया था। कनिष्का भारती कह रहे हैं व्हाट इज़ द फेवरेट एंड मेमोरेबल मोमेंट ऑफ योर लाइफ? मुझे फेवरेट मोमेंट ऐसे क्या कहूँ, बहुत सारे मोमेंट्स हैं जो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, और एक ऐसे ढूंढ पाना उसमें बड़ा मुश्किल है, लेकिन कभी फुर्सत हुई तो ज़रूर बताऊंगा उस एक सबसे अमेजिंग मोमेंट के बारे में। शांतला राव कह रहे हैं आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या? नहीं शांतला राव, मेरे टूथपेस्ट में नमक नहीं है, लेकिन बहुत सारी जड़ी बूटियां ज़रूर हैं, क्योंकि मैं आयुर्वेद का बचपन से बड़ा फ़ैन रहा हूँ, तो मैं एक आयुर्वेदिक टूथपेस्ट इस्तेमाल करता हूँ जिसमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं। हा। अक्षोवंतिका कह रहे हैं योर वॉइस, शुक्रिया, बहुत सारे हार्ट्स भेजे उन्होंने योर वॉइस के बाद में। और भोपाल से बहुत सारा प्यार, शुक्रिया शुक्रिया शुभम ऑडी भाई। और कोई क्वेश्चन आप सबका? प्राचू कह रही है व्हाट इज़ योर एज? तो मेरा जो यूज़र नेम है ना मोहित गौड़ 7991, उसमें क्या है आपको इस राज का, इस क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है। आप ढूंढना और फिर मुझे बताना कि क्या आपको आंसर मिला। अ ब्यूटिफुल मैस कह रही है मोहित योर स्माइल इज़ वेरी क्यूट, थैंक यू। तो अभी कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आपको मुझसे कुछ पूछना है? नहीं। व्हाट इज़ योर क्रश? अच्छा मेरा क्रश कौन है, निदान सारी पूछ रही हैं हु इज़ योर क्रश। तो अभी फ़िलहाल तो कोई नहीं है, कोई क्रश नहीं है अभी फ़िलहाल मेरा, यार क्या करूं। एक वक्त था जब मैं हर दिन मुझे नया क्रश होता था, जब मैं कॉलेज में था ना बेसिकली, तो मैं क्या यार जो भी मेरे को सुंदर लगती थी कोई भी बंदी तो मेरे को क्या उस पर क्रश हो जाता था। लेकिन क्रश और प्यार में मैंने ना एक छोटा सा नहीं एक बड़ा डिफरेंस रख रखा था कि प्यार मेरे को उसी से है जिसके लिए मैं पोएट्रीज या सॉन्ग बना पा रहा हूँ, और देखते ही तो क्रश हो ही जाता था कि हाँ यार कितनी प्यारी बंदी है यार ये। लेकिन प्यार में मैंने थोड़ा फ़र्क रखा था कि अगर मेरे को किसी के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आ रही हैं और मैं उसके लिए पोएम या सॉन्ग बना पा रहा हूँ तो हाँ शायद ये प्यार है। तो इस तरह से मैंने डिफरेंस क्रिएट कर रखा था। आपकी गर्लफ्रेंड कौन है? स्नेही जैन पूछ रही है। नहीं यार कोई गर्लफ्रेंड नहीं, अभी अपन सिंगल हैं। और राजवीर कह रहे हैं स्टडी करते हो क्या? भाई ये करता था यार मैं
अब तो क्या है, मैं कॉलेज से पास आउट हुए मुझे 5-6 साल हो चुके हैं, तो अब तो स्टडी के बस नाइटमेयर्स आते हैं मुझे रात को कई बार। इस तरह के बुरे सपने कहते हैं ना, बुरे सपने जिसमें आप नींद से जगते हो, तो नींद से जगने वाले सपनों में एक सपना मेरा ऐसा होता है कि मैंने असाइनमेंट पूरा नहीं किया है या कल मेरा एग्ज़ाम है और मैंने पढ़ाई नहीं करी है। तो इस तरह के सपने मुझे आते हैं, लेकिन पढ़ाई अब नहीं करता मैं। सर योर वॉइस एंड स्माइल, स्नेहा कह रही है ऐसा। राजवीर सिंह कह रहे हैं भाई का, आर्यन कपूर का मैसेज आया है। फेवरेट प्लेस इन इंडिया, चिन्मयी पटनायक कह रही हैं मेरा घर। मेरे घर से ज़्यादा फेवरेट मेरे को कोई चीज़ नहीं लगती है, ये मेरा सबसे ही प्यारी जगह है मेरी लाइफ की। विपुल यादव कह रहे हैं भाई योर वीडियो कान्हा से जाके कह दूंगी, इज़ सो मैजिकल। थैंक यू सो मच भाई, और मुझे बहुत बहुत प्यार है इस सॉन्ग से, और थैंक यू, आपको अच्छा लगा। अनिका सनराधिका ऑफिशियल कह रही है हाय मोहित, हाय अनिका। पूजा गुज्जर कह रहे हैं सर व्हाट इज़ योर ड्रीम। मेरा ड्रीम कह लो या मेरा सबसे बड़ा अभी ड्रीम कह लो कि मुझे ना मेरे सारे जो सॉन्ग्स हैं जो मैंने बनाए हैं अभी तक, और अभी तक आप सबने मेरे कुछ 4-5 सॉन्ग सुने होंगे, लेकिन मैंने बनाए बहुत सारे हैं, बहुत सारे। 15 साल से मैंने सिर्फ यही किया है, तो मुझे वो सारे सॉन्ग्स, मेरी कहानियाँ, मेरी पोएम्स ना आप सबको सुनानी है, तो ये मेरा भी एक सबसे बड़ा ड्रीम है, सारी सुनानी है मुझे। मुझे ना फ़र्क नहीं करना है कि मैं ये गाने सुनाऊंगा और ये नहीं सुनाऊंगा, या ये पोएम सुनाऊंगा ये नहीं सुनाऊंगा, मुझे सारे गाने सारे पोएम सुनाने हैं। नेहा शॉ कह रही है कपकेक गा दो प्लीज़। नेहा, मैंने सबसे पहले ना अपने इस लाइव चैट में मैंने कपकेक गाया था, तो आप वो ज़रूर सुनना। व्हाट इज़ योर फेवरेट रणबीर कपूर्स मूवी सॉन्ग। अच्छा, ये अभिषेक जाधव ने पूछा है क्वेश्चन, रणबीर कपूर की कौन सी मूवी का सॉन्ग मुझे बड़ा पसंद है। यार उनका वो ऐ दिल है मुश्किल मुझे बड़ा पसंद है सॉन्ग, जो अरिजीत सिंह ने गाया है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है मुझे वो सॉन्ग। केशवी महेश्वरी कह रही है हाय कपकेक। हाय केशवी, आई थिंक अब आप सबके क्वेश्चंस मुझे नहीं दिख रहे हैं ज़्यादा। और ठकराल ऐश्वर्य कह रहे हैं खुद के सॉन्ग्स में सबसे प्यारा सॉन्ग कौन सा है। मेरे सब सॉन्ग्स में ना एक मेरा रीसेंट सॉन्ग है जिसका नाम है तेरा हुआ, तो वो मुझे बड़ा पसंद है। वो अनरिलीज्ड है और मुझे फील थी लाइव चैट करने से पहले मैं छत पे ना बैठकर एक्चुअली वही सॉन्ग गा रहा था, तो आप सबको सुनाऊं वो अनरिलीज सॉन्ग है, अभी तक आया नहीं है वो। अगर मुझे बहुत सारे कमेंट्स दिखे कि हाँ सुनाओ तेरा हुआ, एग्जैक्टली यही कमेंट चाहिए मुझे, है ना, तो मैं तुमको ये नया सॉन्ग सुनाऊंगा। अगर मुझे कमेंट मिलते हैं कि हाँ तेरा हुआ सॉन्ग सुनाइए तो राजवीर सिंह ने कहा है हाँ। राशिदा मलिक कह रही है यस। मिस्टर गौर कह रहे हैं हाँ हाँ सुनाओ तेरा हुआ, हाँ ये चाहिए मुझे, ये कमेंट चाहिए मुझे पूरा, इसमें आपने सॉन्ग का नाम लिया है जैसे कि हर्ष ने लिया है प्लीज सुनाओ तेरा हुआ ये सर तेरा हुआ आर्यन कपूर कह रहे हैं सुनाओ तेरा हुआ सॉन्ग, राशिदा मलिक कह रहे हैं ठीक है। मुझे तानिया गिरी भी कह रही है सुना दीजिए तेरा हुआ, ठीक है। तो अब ये जो सॉन्ग है ना, ये अपन सबका जो अभी लाइव चैट देख रहे हैं, अपना आपका और मेरा ये सीक्रेट है, ठीक है। ये सीक्रेट अभी रिलीज़ नहीं हुआ है ना, ये सीक्रेट रिलीज़ करना है। साइलेंस ही उन्हें कह दिया हाँ भैया प्लीज़ तेरा हुआ डन, अब तो मैं तेरा हुआ सुना रहा हूँ आप सबको, तो इसका छोटा सा मैं एक पोर्शन सुनाऊंगा, और ये सॉन्ग अपना सीक्रेट रहेगा, जब रिलीज़ होगा तब की अलग बात है, लेकिन अभी ये फ़िलहाल सिर्फ आपका और मेरा सीक्रेट है। तो ये सॉन्ग मैंने लिखा था जब इस बेसिकली मैं किसी को डेट कर रहा था, है ना, और हमें डेट करते हुए कुछ 3 दिन हुए थे, तो उन 3 दिन के बाद 4th दिन मैंने सॉन्ग लिखा था कि इन 3 दिनों में मेरी जो भी चीज़ें उसकी हो गई हैं उस पर यह सॉन्ग। बेसिकली ऐसा होता है ना, जब आप एक रिलेशनशिप में आते हो या प्यार सा वो जो फील होता है ना, तो आपकी ना कुछ चीज़ें उसकी हो जाती हैं, कुछ चीज़ें उसकी आपकी हो जाती हैं, तो इन 3 दिनों में मेरी जो भी चीज़ें उसकी हो गई उस पर है ये सॉन्ग। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी जब पहली डेट थी तो मैंने उससे पूछा कि तेरे फेवरेट फ्लावर्स कौन से हैं,
मैं तुझे ना तेरे फेवरेट फ्लावर्स गिफ्ट करूँगा। तो उसने कहा कि उसके कोई फेवरेट फ्लावर्स ही नहीं है, बताओ ये भी कोई बात हुई। तो मैंने कहा चल ठीक है, मैं तुझे मेरे फेवरेट फ्लावर्स गिफ्ट करूँगा। वो थे जैस्मीन के फूल, जिसे हिंदी में मोगरा भी कहते हैं। तो मेरे फेवरेट फ्लावर्स हैं जैस्मीन, और मुझे उसकी खुशबू बड़ी पसंद है। तो मैंने सोचा कि मैं उसको पहली डेट पे उसे कहा कि मैं तुझे अपनी पहली डेट पे जैस्मीन के फूल गिफ्ट करूँगा। फिर मैंने सोचा यार, मैं उसे अगर जस्ट फ्लावर्स ही गिफ्ट करूँगा तो हो सकता है वो थोड़े दिन में मुरझा जाए और फिर ख़त्म हो जाए। कैसा हो अगर मैं उसे एक जैस्मीन का पौधा गिफ्ट करूँ? हो सकता है उसके साथ ज़िंदगी भर रहे अगर उसे का अच्छे से ध्यान रख पाए। तो मैंने उसे जैस्मीन का पौधा गिफ्ट किया था। तो ये सॉन्ग इस तरह से है कि वो जैस्मीन के फूल फेवरेट मेरे जो थे, बताया मैंने तुझे वो पौधा मेरा तेरा हुआ, तेरा हुआ। इस भीड़ में ऐसे मिला मुझे शोर सारा बुझे, जो भी मेरा तेरा हुआ, तेरा हुआ, तेरा हुआ, तेरा हुआ। तो ये सॉन्ग का छोटा सा ट्रेलर है, हालांकि ये पूरा कंप्लीट सॉन्ग बन चुका है। तो अब मुझे बताओ ये छोटा सा ट्रेलर कैसा लगा अपने सॉन्ग का, अपने इस सीक्रेट सॉन्ग का जो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, और ये सिर्फ मैंने अभी जो लाइव चैट पर हैं लोग उन्हीं को सुनाया है। तो रिया कह रही है आई लव योर वॉइस, अयांजलि कह रही है तेरा हुआ, सुप्रिया कह रहे हैं वाओ सर सुपर हिट, थैंक यू यार। बेबी क्वीन कह रही है हाय प्यारे, थैंक यू बेबी क्वीन, आपका नाम बड़ा प्यारा है। तितली कह रही है बहुत अच्छी, थैंक यू। जय सम्यक कह रहे हैं रिलीज सून प्लीज़। बिल्कुल भाई, कोशिश करेंगे इसको जल्दी रिलीज़ करने की, एक बार लॉकडाउन से रिलीज़ हो जाए अपन सब। आरजीवी जैन कह रही हैं बहुत ही प्यारा गाना है, थैंक यू। ठकराल ऐश्वर्या कह रहे हैं वुड लव टू लिसन दिस सून, बिल्कुल। नेहा कह रही हैं इट्स गोना बी हिट, थैंक यू। दर्शन कह रहे हैं दिस इज़ अमेजिंग, थैंक यू भाई। श्रेष्ठा कह रहे हैं जल्दी से रिलीज कर दो। नम्रतांगिले कह रहे हैं वेरी नाइस। राशिदा मलिक कह रही हैं वाओ, थैंक यू। शैला शामली कह रहे हैं बहुत अच्छा सर, शुक्रिया भाई। आजवी जैन कह रही हैं मैं तो आँख बंद करके सुकून से सुन रही थी। अरे वाह यार, ये ऐसा ही सॉन्ग है पता है, मैं आँख बंद करके सुकून से गाता हूँ और आप सब आँख बंद करके सुकून से सुनिएगा। तो आंचल चटवानी कह रही हैं इट्स फुल ऑफ फीलिंग्स, थैंक यू, थैंक यू आंचल। तो सुमिका कुमार कह रही हैं मेरी कमेंट नहीं पढ़ी, नहीं मैंने अभी आपका कमेंट देखा। तो जावेद अली कह रहे हैं सर आप इतने फेमस होकर सिंपल क्यों? देखो भाई बस यार, मेरे को ऐसा लगता है कि अपन सब ना बड़े एक जैसे हैं, मैं कुछ अलग नहीं हूँ आप सब से, और मैं एक काम कर रहा हूँ जो है सिंगिंग, गाने बनाना लिखना, आप सब अपना वर्क कर रहे हो, तो मेरा वर्क आपसे ऊपर कैसे हुआ? सब चीज़ों की ना अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है आई फील। तो मुझे ऐसा लगता है कोई भी ना इंसान किसी से ऊपर नहीं है ना नीचे है, सब बराबर है, सब अपने अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं अपने अपने तरीक़ों से। तो इसलिए अपन बस आपके जैसा हूँ मैं, जैसे आप हो ना वैसा मैं हूँ, इसलिए शायद आपको ऐसा लगता होगा, उसके लिए शुक्रिया। लेकिन अब
टाइम है रिक्वेस्ट का, तो अब आप सब जो भी रिक्वेस्ट करोगे सॉन्ग, जो भी आपको सुनना है सॉन्ग या पोएम या कुछ भी, वो मैं आप सबके लिए गाऊंगा। तो आप बताइए क्या सुनना है आपको। अब रिक्वेस्ट वाला सेशन करते हैं अपन लाइव चैट का, लाइव चैट का वो पार्ट जिसमें रिक्वेस्ट पूरी करी जाएंगी। तो प्रियांशी कह रही है, आई वॉज कनेक्टेड विद यू लास्ट टाइम व्हेन यू केम लाइव। थैंक यू प्रियांशी, आप नॉर्मल रहते हैं सिद्ध कृष्णा द्विवेदी। बिल्कुल भाई, अपन सब एक जैसे से हैं यार सब। अरे तो रियाश कॉलिक कह रही है, फिर मुझे दिल से पुकार तू, उनको सुनना है। अच्छा, कपकेक मैं सुना चुका हूँ, तो फिर मुझे दिल से पुकार तू थोड़ा सुनाऊँ। हालांकि इसकी कॉर्ड्स मुझे नहीं आती हैं, गिटार की कॉर्ड्स, इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं गा पाता हूँ, लेकिन फिर भी जितना गा सकता हूँ। ठीक है, कि तेरी बाहों के सिरहाने रह लूं अब से, जब से तू मिला है मैं रूठा नींद से, ओ यारा बिन तेरे जीना मुमकिन नहीं, फिर मुझे दिल से पुकार तू, कह दे मेरा एक बार तू, तेरे जैसा मैं बन जाऊंगा, हौले हौले थोड़ा सा सुधार तू। तो ये तो फिर मुझे दिल से पुकार तू की रिक्वेस्ट मैंने पूरी कर दी। अब नेक्स्ट कौन सा सॉन्ग आप सुनना चाहेंगे? सार कह रहे हैं वाओ, शुक्रिया। गणेश कन्नी कह रहे हैं थैंक्स सर। यो वेलकम गणेश भाई। स्वाति कह रहे हैं हाय, हाय स्वाति, हाय शिवम। फैनी कह रहे हैं वाओ नाइस, थैंक यू। तो नेक्स्ट क्या रिक्वेस्ट है आपकी, आप से मुझे बताइए जल्दी से। दीपक कह रहे हैं ब्रो चौधरी, चौधरी सुनाएं, चौधरी सुनाते हैं। कब के क्या, मैं पहले ही सुना चुका हूँ अपने लाइव चैट की शुरुआत में, तो आप जब मैं इसको अपलोड करूँगा लाइव चैट को, तो आप कब के वहाँ सुन सकते हैं। तो मैं आपको अभी चौधरी सुनाता हूँ, ठीक है। थोड़ा इसको लोअर नोट में गा देते हैं। लुक छुपना जा बहु जी, मन दीत करा बहु जी, अज क्यों तरसावे हो, मन सकल दिखा बहु जी, तारी जरारत सब जानू मैं चौधरी, मर्ज ले वो न पंगा जी मैं के लगे, मारे हिबड़ा में जागी, धोखे नेरे चंदा में धारी, चांदनी मन दामन में बांधी खुशी, झुम 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 झुम, मारे हिबड़ा में जागी, धोखे नेरे चंदा में थारी, चांदनी मन दामन में बांधी खुशी, झुम 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 बा झुम झुम झुम। तो अभी चौधरी की भी रिक्वेस्ट पूरी हो चुकी है। अब कौन सी, किस चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप, देखता हूँ मैं। रोशन कह रहे हैं वेरी स्वीट भैया, थैंक यू रोशन भाई। और कृष्णा कह रहे हैं दिस सॉन्ग ऑलवेज मेक्स मी ब्लश व्हेन आई लिसन इट इन योर वॉइस, थैंक यू कृष्णा। स्लीपिंग ब्यूटी, विभूति मेहता, रूपाली, अतीश, हर्ष सिंह, नेहा कह रही है सुकून। अनुज नेगी कह रहे हैं इश्क हुआ है पोएम प्लीज़, अंजू नेगी, ठीक है। तो इश्क हुआ है जो पोएम है, उसकी छोटी सी एक बैक स्टोरी है कि मुझे इश्क हुआ था और उससे मिले हुए कुछ ही दिन हुए थे, मुझे लगा कि यार ये वो क्रश नहीं है, ये वो प्यार है। तो मैंने उस पे लिखा था कि इश्क हुआ है कल परसों की बात है, इश्क हुआ है कल परसों की बात है, तुम्हें लगता है एक और हो गया, मुझे लगता है ये आखिरी बार है, गिरा के रखी थी मैंने चाशनी लबों पे, गिरा के रखी थी मैंने चाशनी लबों पे, सोचा जो भी कहूँगा मीठा लगेगा उसे, क्या पता बहके
आके चख लेगी इन्हें, क्या पता बह के आके चख लेगी इन्हें, और दो तरफा मेरा इकरार हो जाए इश्क हुआ है। कल परसों की बात है। तो ये अपनी पोएट्री है, मैंने लिखी थी। प्रशस्ति, हाय प्रशस्ति, कैसी है तू? प्रशस्ति मेरी बहुत ही पुरानी फैमिली मेम्बर है। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, अपनी ना एक फैमिली है कपकेक फैमिली नाम से, तो जिसमें रॉ स्टार के टाइम से जितने भी लोग जो भी मुझे प्यार करते थे अपनी अपनी फैमिली के लोग, तो वो सब उसमें जुड़ते चले गए। तो उसकी एक बहुत पुरानी मेम्बर है प्रशस्ति, उसमें बहुत सारे मेम्बर्स हैं, जैसे हनी है, यशिता है, हंस है, कपकेक जीतू है। इस लाइव चैट में भी शायद बहुत सारे होंगे उस फैमिली के मेम्बर। तो उन्होंने अपना पूरा एक ग्रुप बना रखा है ऐसा। तो प्रशस्ति अभी रिसेंटली मॉम भी बनी है, उनके एक बेबी बॉय हुआ है। तो प्रशस्ति, तेरे बेबी बॉय का नाम सोच लिया तूने क्या रखना है? हैं, कपकेक तो पेट नेम रख लियो। देख मैंने पहले भी तुझे कहा था। पूजा बंसल कह रही है बहुत खूबसूरत है, शुक्रिया पूजा, थैंक यू। निधि कह रही है जयपुर में सब कैसे हैं? एकदम अच्छे निधि। और कोई रिक्वेस्ट है आप सबकी, कुछ भी आपको सुनना हो? स्नेहा कह रही है हाय। प्रिंसेस गर्ल मीनू। गणेश कनी कह रहे हैं हेलो हेलो गणेश। हनी कह रही है यस यस हनी। मित्तल कह रहे हैं हेलो। इंस्टा कभी कह रहे हैं कपकेक सॉन्ग प्लीज़। इंस्टा कभी, सो आई हैव ऑलरेडी संग दैट सॉन्ग, और वो मैंने शुरुआत में ही गा दिया था। द टॉल सनशाइन कह रहे हैं वहीं। ठीक है प्राची, मैं आपको वहीं सुनाता हूँ, ठीक है आप सबको। कितनों ने साचे रिश्ते धागे, रेशम सी डोरी खींचे बांधे, पर मैं न सुनता तोड़ धागे, छोड़ के पिंजरा पीछे मैं आगे, अब बस यहाँ पे मन लगता नहीं। हाँ मेरा दिल तो वहीं है वहीं, हाँ मेरा दिल तो वहीं है वहीं, जिस जगह तू होता है, जहाँ कंधे पे मेरे सर रख के सोता है। हाँ मेरा दिल तो वहीं है वहीं, हाँ मेरा दिल तो वहीं है वहीं, हाँ मेरा दिल तो वहीं है वहीं, हाँ मेरा दिल तो वहीं है वहीं। अभी क्या यार, मेरे हाई नोट्स लेने की ना फील ही नहीं है, क्योंकि अभी क्या है छत पे हो ना मैं, तो यहाँ आवाज़ गूंजती है पूरे मोहल्ले में, और मुझे ना किसी को परेशान करना पसंद नहीं है यार। पहले भी जब मैं ऐसे गाता था ना ज़ोर ज़ोर से, तो बचपन में मैं क्या है तकिया रख के अपने मुंह पे गाता था, ताकि क्या है दूसरे लोगों को परेशान ना हो, परेशानी ना हो। तो मुझे बस एक चीज़ नहीं पसंद यार, सब करो आपकी जो इच्छा है वो करो, लेकिन किसी को ना मतलब परेशान ना करो, तो मेरी कोशिश रहती है ऐसे ही। सृष्टि कह रहे हैं वाओ, थैंक यू सृष्टि। भाई फेस दिखा दो ना, माही राइट्स कह रही हैं। यार मैं कैसे दिखाऊं माही फेस, अभी क्या अंधेरा इतना पाएगा। सिद्ध कृष्णा कह रहे हैं एसएमएस इनबॉक्स में रिप्लाई कर दिया करो प्लीज़, बहुत सारे एसएमएस किए हैं। मैं क्या आपके मैसेजेस सबके पढ़ूंगा, लेकिन मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना यार। लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ कि आपके जो भी मैसेजेस आते हैं ना मैं सब पढ़ता हूँ, तो आप बड़ा अच्छा भी लगता है मुझे, आप सब इतनी प्यार से मुझे जो भी कहते हो मुझे पसंद है यार, अच्छा लगता है। आप सब प्यार करते हो ना यार, इससे प्यारी बात और क्या होगी बताओ।
हमेशा से सोचता था ऐसे लोग मिलेंगे क्या जो मेरे गाने सुनेंगे या जो मेरी पोएम सुनेंगे, ढूंढता था ऐसे लोग। तो आप सब लोग ना मेरी, यूँ कह लो, हिंदी में बहुत ही खूबसूरत वर्ड है पूंजी, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है उसका एसेट। तो आप सब मेरे एसेट हो यार, आप सब वो लोग हो जो मुझे मेरे गानों से या मेरी पोएम से, मेरी कहानियों से प्यार करते हो उनकी वजह से। तो मेरे एसेट हो आप सब यार, मुझे अच्छा लगता है आप सब की हर बात, आपके सारे मैसेजेस पढ़ना, आपके कॉम्प्लीमेंट्स को, कमेंट्स को सर आँखों पे रखना, कि अच्छा लगता है यार मुझे। और शुक्रिया मेरे साथ में रहने के लिए और मुझे इतना प्यार करने के लिए। बस यार और क्या कहूँ, आई लव यू ऑल हमेशा ज़िंदगी भर। और बस मेरी लाइफ की जो कह लो कि सबसे कीमती जो चीज़ होती है ना किसी की, सबकी अलग अलग होती है, मेरी सबसे कीमती चीज़ है मेरे सॉन्ग्स, मेरी पोएम्स, और मुझे वो आप सबको देने हैं। प्यार हो यार तुम सब, यार जान हो मेरी, बहुत प्यार है मुझे तुम सबसे, बहुत ही ज़्यादा। बहुत किस्मत वालों को मिलते हैं यार ऐसे लोग, बताओ कि जो उनको प्यार करें, उनको पसंद करें। कोई एक ही लाइफ में मिलना बड़ा मुश्किल होता है, मुझे आप सब इतने सारे मिले हो तो ये तो मेरी किस्मत है, ये तो मेरे यूँ कह लो बस बहुत अच्छी बात है यार। अच्छा अब ना टाइम हो गया है जाने का, मैं नीचे जाऊँगा डिनर करूँगा, आप सब भी डिनर कर लेना, फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करना, और बड़ा अच्छा लगता है यार तुम सब हो मेरी लाइफ में, और इसी तरह साथ रहते हैं अपन, बहुत प्यारी ज़िंदगी कटने वाली है अपन सब के साथ में। टेक केयर, गुड नाइट, एंड फिर मिलते हैं, बाय।